चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसपी में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। देखो, इस चैप्टर में कल हमने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बारे में समझा था कि कंपनी के जो ऑनर होते हैं ना, वो इजीली अपने शेयर्स जो है वो किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं और अपनी ऑनरशिप छोड़ सकते हैं, बरोबर। ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बारे में कल हमने समझा था। उसके बेनिफिट्स भी हमने देखे थे कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स से क्या क्या फायदे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस समझी थी, और उसके कुछ प्रोविजंस हमने समझे थे कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अगर करना हो तो उसके लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, उसके प्रोविजन समझे थे। आज उसकी प्रोसीजर हम लोग समझे कि जिनमें, देखो, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में कल हमने बात की थी कि शेयर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फिजिकल शेयर्स और एक होते हैं डीमेट शेयर्स। फिजिकल शेयर्स मतलब जिसमें जो है वो आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट हो शेयर का, तो वो फिजिकल शेयर कहलाता है। कल हमने समझा था ना इसके बारे में। और अगर फिजिकल शेयर हमें ट्रांसफर करना हो, फिजिकल शेयर किसी और के नाम पे करना हो, तो उसके प्रोविजन कल हमने देखे थे, उसके रूल्स देखे थे। आज उसकी पर्टिकुलर प्रोसीजर देखें कि प्रोसीजर ऑफ फिजिकल शेयर ट्रांसफर, कि फिजिकल शेयर अगर ट्रांसफर करना हो तो क्या प्रोसीजर आती है। अब जब शेयर ट्रांसफर करना हो ना, तो उसमें भी दो पार्ट आते हैं। या तो होता है टोटल शेयर ट्रांसफर, भाई मेरे पास जितने भी शेयर्स हैं सबके सब मैं किसी और को ट्रांसफर कर दूं, वो टोटल शेयर ट्रांसफर। या तो फिर आता है पार्शियल शेयर ट्रांसफर, पार्शियल मतलब थोड़े से, मेरे पास जितने शेयर्स हो उसमें से थोड़े शेयर में किसी और को ट्रांसफर करूं, बराबर। तो जब ये शेयर ट्रांसफर करने हो तो उसमें पहले टोटल शेयर कैसे ट्रांसफर होते हैं उसकी प्रोसीजर देखें, फिर पार्शियल शेयर ट्रांसफर के बारे में समझेंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो पहले टोटल शेयर ट्रांसफर, मतलब समझो मेरे पास अगर कोई कंपनी के 1000 शेयर हैं और वो सभी शेयर्स मुझे किसी और को ट्रांसफर करने हैं, ये फिजिकल शेयर की बात चल रही है, फिजिकल शेयर, ये पहले होता था, अब ये प्रोसीजर नहीं होती। अब ये फिजिकल शेयर्स ना के बराबर हो चुके हैं, क्योंकि अब तो सब कुछ जो है वो क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी से होता है, बराबर ना, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो अब शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसलिए फिजिकल शेयर जो है वो अब बहुत कम है, हैं अभी भी, बिल्कुल बंद नहीं हो चुके हैं, अभी भी अगर कोई शेयर होल्डर चाहे ना कि भाई मुझे फिजिकल शेयर चाहिए, तो वो कोई भी कंपनी से हक से मांग सकता है। मैंने कोई कंपनी के शेयर्स खरीदे और मैं कंपनी को अगर मेल करूं या पोस्ट के थ्रू लेटर करूं कि भाई मुझे फिजिकल शेयर चाहिए, मुझे फिजिकल शेयर भेजो आप, मैंने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे, तो कंपनी आपको फिजिकल शेयर भी भेज सकती है। तो ऐसा नहीं, ये बिल्कुल बंद हो चुका है अभी भी, लेकिन कम हो चुका है। तो फिजिकल शेयर ट्रांसफर करना हो कि हमारे पास जो सर्टिफिकेट है वो किसी और के नाम पर करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर आती है। सबसे पहले ऑब्टेनिंग शेयर ट्रांसफर फॉर्म, अब ध्यान से समझना, सपोज मेरे पास जो है वो कंपनी के शेयर हैं, मतलब शेयर मतलब वही सर्टिफिकेट है कंपनी का, कि समझो 1000 शेयर का वो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट तो एक ही रहता है ना 1000 शेयर का। अब मुझे वो ट्रांसफर करना है मेरे दोस्त को, तो सबसे पहले ऑब्टेनिंग शेयर ट्रांसफर फॉर्म, मैं पहले कंपनी को जाकर जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अपने शेयर ट्रांसफर करने हैं, उसके रिलेटेड मुझे फॉर्म दो, बराबर। कंपनी में जाकर या उनके पर्टिकुलर जो ब्रांच होती है, प्लेस होती है, या पोस्ट के थ्रू मैं जो है वो उनसे ट्रांसफर फॉर्म मंगवाऊंगा कि चलो भाई फॉर्म दो तो मैं किसी और को ट्रांसफर कर सकूँ वो शेयर्स। जब वो फॉर्म मिल जाए ना, देन फिलिंग अप द डिटेल्स इन द ट्रांसफर फॉर्म, सीधी सी बात ना, फॉर्म मिल जाए तो उसमें फिर जो है वो डिटेल भरनी है, जिस डिटेल में पहले कंपनी का नाम, फिर मेरा नाम, मेरे पास शेयर्स हैं ना तो मेरा नाम, कौन से शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, कौन से शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं, कितने रुपए के हैं, मुझे जो है वो किसको ट्रांसफर करने हैं, उस सामने वाले का नाम, ये पूरी डिटेल जो है वो उसे लिखी जाती है, बराबर। उस फॉर्म में जो जो डिटेल्स हो वो सभी डिटेल्स जो है वो पर्टिकुलर फिल की जाती है। जब ये हो जाए फिलिंग अप द डिटेल्स इन ट्रांसफर फॉर्म, देन सबमिशन ऑफ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर सर्टिफिकेट, जब ये फॉर्म भर जाए ना, तो इस फॉर्म के साथ मेरे पास जो ओरिजिनल शेयर होगा, फिजिकल शेयर, जो सर्टिफिकेट होगा, उस सर्टिफिकेट को अटैच करके मैं कंपनी को सबमिट करूंगा, मैं कंपनी को पोस्ट के थ्रू या खुद जाकर जो है वो कंपनी को देकर आऊंगा कि ये रहा मेरा फॉर्म, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, ये शेयर का सर्टिफिकेट, उसको अटैच करके स्टेपलर करके दे दूंगा, भाई अब ये शेयर्स दूसरे को ट्रांसफर कर दो, बरोबर ना भाई, जिसको शेयर ट्रांसफर करना हो, जिसका मैंने नाम लिखा हो, अब ये शेयर उसको ट्रांसफर कर दो, तो वो फॉर्म जाकर कंपनी में सबमिट कर दूंगा, बरोबर ना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ वो फॉर्म सबमिट हो गया। जब ये सबमिशन हो जाए, देन सेंडिंग द ट्रांसफर रिसिप्ट, उसके बाद कंपनी जो है, कंपनी के सेक्रेटरी जो होते हैं वो जो है वो एक रिसिप्ट तैयार करेंगे,
जो रिसिप्ट में, रिसिप्ट मतलब भाई यहाँ पर जो है वो एक तरह का सबूत रहता है कंपनी के पास और मेरे पास कि हाँ भाई मैं जो है वो ये शेयर ट्रांसफर कर रहा हूँ। भाई देखो एक सिंपल सी बात समझो, मैंने फॉर्म लिया कंपनी से, फॉर्म भरा, अब फॉर्म के साथ मैंने वो शेयर भी अटैच करके और कंपनी को दे दिया मैंने। अब कंपनी को मैंने वो दे दिया तो अब शेयर्स ही मैंने उनको दे दिया तो मेरे पास एक सबूत तो रहना चाहिए ना कि हाँ भाई मैंने कंपनी को ट्रांसफर के लिए बोला है, सही बात क्या? नहीं तो सिंपल सी बात होती है, ऐसा होता नहीं पर एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं फॉर्म भी शेयर्स भी जो है वो कंपनी को दे दूँ तो मेरे पास क्या, मेरे पास तो ना शेयर रहा ना फॉर्म रहा, कंपनी वो शेयर्स का कुछ कर दे दो मतलब किसी और को बेच दे, ट्रांसफर ना करे दो, तो उस वक्त मेरे पास क्या सबूत रहेगा कि भाई मैंने कंपनी को शेयर ट्रांसफर के लिए बोला था, बराबर ना? बाय चांस जो है वो चीज़ जो है वो कंपनी से शेयर फट जाए, फॉर्म फट जाए, गुम हो जाए और कोई प्रॉब्लम, तो मेरे पास क्या सबूत रहेगा उसके बाद कि भाई जो है वो मैंने कंपनी को ट्रांसफ़र के लिए बोला था। ऐसी सिचुएशन नहीं होती पर जस्ट बोलने के लिए, तो उस वक्त ये रिसिप्ट जो है वो मेरे पास सबूत रहता है कि हाँ भाई मैंने कंपनी को इन्फॉर्म किया है कि मेरे शेयर ट्रांसफ़र कर दो। तो जब ये फॉर्म सबमिट हो जाता है ना तो उसके बाद कंपनी हमें रिसिप्ट भेजती है, वो रिसिप्ट मेरे पास सबूत रहता है कि हाँ मैंने कंपनी को इन्फॉर्म किया है इसके रिलेटेड। उसके बाद टू इन्फॉर्म रिगार्डिंग ट्रांसफर बाय नोटिस, उसके बाद कंपनी जो है वो उस प्रोसीजर को आगे चलाती है। जैसे शेयर ट्रांसफर में पूरी प्रोसीजर में कम से कम 10 से 15 दिन का टाइमिंग जो है वो लगता है, उससे ज़्यादा भी टाइमिंग लग जाता है। तो जब कंपनी को ये फॉर्म सबमिट हो जाता है ना तो कंपनी जो है वो पर्टिकुलर चेक करती है पूरा फॉर्म, भाई मैंने फॉर्म बराबर भरा है, कंपनी का नाम, शेयर्स, मेरा नाम, जिसको ट्रांसफ़र करना है मुझे दोस्त को ट्रांसफ़र करना है तो उसका नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, सब चीज़ मैंने बराबर भरी है उसमें कि नहीं भरी। अगर सब भरी है तो कंपनी जो है वो दो लोगों को नोटिस भेजेगी, मुझे भी और मेरे दोस्त को भी, इन्फॉर्म रिगार्डिंग ट्रांसफ़र बाय नोटिस, नोटिस भेजेगी मुझे भी और उसे भी। मुझे नोटिस भेजेगी कि हम आपके शेयर सब ट्रांसफ़र कर रहे हैं और मेरे दोस्त को भी नोटिस भेजेगी कि भाई सामने वाले ने जो है वो अपने शेयर से आपको ट्रांसफ़र किए हैं, बराबर ना? दोनों पार्टीज़ को कंपनी नोटिस भेजती है कि देखो भाई ये ट्रांसफ़र की प्रोसीजर शुरू हो चुकी है। अगर दोनों में से मुझे या मेरे दोस्त में से किसी को भी ऑब्जेक्शन हुआ, ऑब्जेक्शन मतलब कोई भी प्रॉब्लम, सपोज़ मैंने कंपनी को फॉर्म तो दे दिया उसके बाद बाय चांस मेरा मूड बदल गया, मुझे ट्रांसफ़र नहीं करना, भाई बाय चांस है, ऐसा होता नहीं, बट अगर यहाँ कोई भी ऑब्जेक्शन हो कि नहीं भाई ये ट्रांसफ़र जो है वो ऐसा नहीं, मैं या तो मेरा दोस्त अगर कोई भी ऑब्जेक्शन ले तो इस नोटिस के बाद 14 डेज का टाइमिंग कंपनी देती है। कितने डेज? 14 डेज का टाइमिंग देती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप बता दो हमें, बराबर ना? देन रिकॉर्डिंग इन द शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर, तो कंपनी 14 डेज पहले इंतजार करती है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, ना मैंने ऑब्जेक्शन उठाया ना मेरे दोस्त ने ऑब्जेक्शन उठाया, क्या हाँ भाई बरोबर है, नोटिस मिल गया, हमने चेक किया, हाँ बरोबर भाई शेयर ट्रांसफ़र कर दो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो कंपनी मान लेती है कि हाँ भाई दोनों पार्टीज़ मंजूर कर रही है, दोनों पार्टीज़ ने हाँ बोल दी कि भले शेयर ट्रांसफ़र कर दो। तो कंपनी के पास एक अलग रजिस्टर होता है जिस जो कहलाता है शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर, शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर, ये अलग रजिस्टर जिसमें खाली लिखा जाता है कौन कौन से पर्सन ने शेयर ट्रांसफ़र किए हैं, सभी थोड़ी कर दें, जिसने शेयर ट्रांसफ़र किया हो वो उस रजिस्टर में लिखती है, बरोबर? तो कंपनी के सेक्रेटरी 14 डेज चेक करेंगे, कोई हमने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर में लिख देंगे कि हाँ भाई ये पर्सन जो है वो अब ये पर्सन को शेयर ट्रांसफ़र कर रहा है, मेरा नाम उसमें और मैं किसको शेयर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उसका नाम, वो शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर में एंट्री हो जाएगी। जब ये हो जाए देन रिजोल्यूशन फॉर अप्रूवल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, उसके बाद देखो कंपनी में कोई भी ऐसी प्रोसीजर होती हो ना शेयर्स के रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर, तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। यहाँ रिजोल्यूशन मतलब एक तरह की मंजूरी लेनी पड़ती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, क्योंकि कंपनी का आखिरी फैसला वही लेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जब ये हो जाए ना तो कंपनी के सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म करते हैं कि देखो भाई ये पर्सन अपने 1000 शेयर अपने दोस्त को ट्रांसफ़र करना चाहता है, क्या वो कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरी जो है वो चीज़ें चेक करते हैं, जैसे पता है कल हमने रूल्स देखे थे भाई, पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन प्रोविज़न समझे थे शेयर ट्रांसफ़र के लिए, क्या वो सभी प्रोविज़न फॉलो हो रहे हैं, सभी रूल्स रेगुलेशंस बरोबर हैं, कहीं मैंने शेयर के पैसे बाकी तो नहीं हैं, जैसे पता है अनपेड कॉल्स हो तो कोई शेयर्स के पैसे बाकी तो नहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेक करते हैं। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि नहीं भाई सब चीज़ें बरोबर है, कोई बात नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो रिजोल्यूशन पास करते हैं, मतलब मंजूरी दे देते हैं यहाँ पर कि हाँ भाई करो शेयर ट्रांसफ़र।
अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई डाउट होता है कि नहीं भाई यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, कि नहीं ये ट्रांसफ़र अभी नहीं होना चाहिए, कुछ तो तकलीफ है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजोल्यूशन पास नहीं करते, अटका देते हैं कि नहीं अभी ट्रांसफ़र नहीं होगा, और फिर मुझे और मेरे दोस्त को इन्फॉर्म कर देंगे कि नहीं भाई ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, बरोबर। तो एक रिजोल्यूशन पास होता है, उसमें पास हो गया, अगर यस हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाँ कहते हैं, तो आगे प्रोसेस चलेगी। जब वो रिजोल्यूशन पास हो जाए, देन एंटरिंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, उसके बाद कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई शेयर ट्रांसफर हो गया, तो कंपनी के पास जो मेन रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जिसमें मेन शेयर्स के मालिक कौन हैं, उसका नाम उसमें लिखा हुआ होता है। तो कंपनी के सेक्रेटरी उस रजिस्टर ऑफ मेंबर में जाकर मेरा नाम कट कर देंगे और उसके बदले में मेरा दोस्त का नाम लिख देंगे, बरोबर ना। मैंने जिसको शेयर ट्रांसफर किया है, तो कंपनी के सेक्रेटरी इसके बाद वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में जाकर मेरा नाम कट कर देंगे कि अब ये कंपनी का मालिक नहीं है भाई, और उसकी जगह पर मेरे दोस्त का नाम लिख देंगे कि अब कंपनी का मालिक ये हुआ, बरोबर ना। उसमें एंट्री हो जाएगी एंड देन सेंडिंग शेयर सर्टिफिकेट टू द न्यू शेयर होल्डर, और फिर नए शेयर होल्डर को जो है वो सर्टिफिकेट भेजेंगे। मैंने तो सर्टिफिकेट पहले ही सबमिट कर दिया ना, मेरा शेयर तो गया ना, अब मुझे कोई लेना देना नहीं। तो कंपनी नए नाम का सर्टिफिकेट बनाकर, नए नाम का शेयर बनाकर वो मेरे दोस्त को भेज देंगे कि हाँ भाई अब जो है वो ये शेयर से आपके हुए। तो इस तरह से कंप्लीट ये शेयर ट्रांसफर हो जाता है ना, बरोबर ना। ये प्रोसीजर से टोटल शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं, समझ आई बात। अब कोई पर्सन को अगर टोटल शेयर ट्रांसफर नहीं करने हैं, पार्शियल शेयर ट्रांसफर करने हैं, पार्शियल शेयर ट्रांसफर, ध्यान देना, खाली नाम है, अंदर की प्रोसीजर ओरली समझा रहा हूँ, सुनना। पार्शियल शेयर ट्रांसफर करने मतलब अगर मेरे पास 1000 शेयर हैं कोई कंपनी के, उसमें से मुझे 400 ही मेरे दोस्त को देने हैं, बाकी नहीं देने। 600 अपने पास रखूंगा, 400 उसे दूंगा। अगर 1000 के 1000 ही दे देने हैं तो ये रही प्रोसीजर। अगर 400 शेयर ही मुझे ट्रांसफर करने हैं, या भाई 200 300 500 जो भी हो, पार्शियल थोड़े शेयर ट्रांसफर करने, थोड़े अपने पास रखने हैं, तो जितने शेयर ट्रांसफर करने हो ना, तो इस पूरी प्रोसीजर में स्टार्टिंग में एक स्टेप खाली बढ़ता है, बाकी वही प्रोसीजर है, इसलिए वो लिखी हुई नहीं है। सेम प्रोसीजर होती है, सिर्फ स्टार्टिंग में एक स्टेप बढ़ता है। अगर मुझे पार्शियल शेयर ट्रांसफर करने हैं, तो मुझे पहले कंपनी को रिक्वेस्ट करके मेरे शेयर का स्प्लिट करवाना होगा, शेयर स्प्लिट करवाना पड़ता है। शेयर स्प्लिट मतलब कि एक सर्टिफिकेट में से दो सर्टिफिकेट बनाने होते हैं, फाड़ कर नहीं, कंपनी को रिक्वेस्ट करके एक सर्टिफिकेट में से दो सर्टिफिकेट बनाने होते हैं। मतलब ऐसा कि अगर मेरे पास 1000 शेयर हैं और मुझे 400 शेयर ही जो है वो मेरे दोस्तों को ट्रांसफर करने हैं, 400 शेयर, उसके बाद 600 अपने पास रखने हैं, तो मैं पहले कंपनी को रिक्वेस्ट करूंगा, एक फॉर्म भर के दूंगा कंपनी को कि भाई कंपनी मेरे पास जो है वो 1000 शेयर हैं, उसमें से 400 ट्रांसफर करने हैं, तो मुझे मेरे शेयर का स्प्लिट करके दो, दो सर्टिफिकेट बना के दो, एक की जगह पहले एक ही सर्टिफिकेट था 1000 शेयर का, उसे स्प्लिट करके अब दो सर्टिफिकेट अलग अलग बना के दो, कि जिसमें जो है वो 600 शेयर का एक सर्टिफिकेट बना के दो और 400 शेयर का एक सर्टिफिकेट बना के दो, बरोबर। ये मैं कंपनी को रिक्वेस्ट करूंगा, इसे स्प्लिट हो गया, तो अब मेरे पास एक सर्टिफिकेट की जगह दो सर्टिफिकेट हो जाएंगे, एक 600 शेयर का, एक 400 शेयर का। अब 600 शेयर का मैं अपने पास रखूंगा और 400 शेयर का जो सर्टिफिकेट हो गया ना, वो यही प्रोसीजर फॉलो करके मैं किसी और को ट्रांसफर कर दूंगा, मेरे दोस्त को, समझ आ रही है बात। तो जब पार्शियल शेयर अगर ट्रांसफर करना हो ना, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है इसमें, स्टार्टिंग में शेयर को स्प्लिट करवाना होता है कि भाई मैंने समझो अगर 500 शेयर मुझे ट्रांसफर करने हैं, तो मैं कंपनी को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई प्लीज मेरे जो 1000 शेयर का एक सर्टिफिकेट है, उसमें से 500-500 के दो सर्टिफिकेट बना के दो। तो एक 500 का सर्टिफिकेट मैं अपने पास रखूंगा, वो मेरा, और जो दूसरा 500 का सर्टिफिकेट होगा, वो यही प्रोसीजर फिर से रिपीट करके वो किसी और को ट्रांसफर कर दूंगा, समझ आ रही है बात। तो ये जो ट्रांसफर हो गया ना, वो फिजिकल शेयर ट्रांसफर हुआ, फिजिकल शेयर के जिसमें टोटल या पार्शियल शेयर ट्रांसफर होता है। और अब दूसरी प्रोसीजर जो आती है, जो कहते हैं प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीमटेरियलाइज्ड शेयर, डीमटेरियलाइज्ड मतलब डीमेट शेयर, जो आज के प्रेजेंट टाइमिंग में होता है। मैंने बताया आज के टाइमिंग में फिजिकल शेयर बहुत कम हो चुके हैं, आज के टाइम में चलते हैं डीमेट शेयर्स। डीमेट शेयर्स मतलब ये फिजिकल शेयर्स नहीं है, है वही शेयर का सर्टिफिकेट, लेकिन फिजिकली नहीं, अब मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर जो है वो डायरेक्टली आज की टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो सामने वाले को भेजा जाता है, वो जो है वो एक तरह का डीमेट शेयर कहलाया, बरोबर ना। अब ये जो डीमेट शेयर होता है ना, तो डीमेट शेयर का ट्रांसफर करना हो ना,
तो उसके लिए आज के टाइम में हर पर्सन को ये शेयर ट्रांसफर करना, मतलब खरीदना या बेचना हो अगर, तो हर एक पर्सन को पहले बैंक में डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। इसके लिए डीमेट अकाउंट कंपलसरी नहीं था पहले, जब फिजिकल शेयर्स चलते थे तो उसके लिए डीमेट अकाउंट कंपलसरी नहीं था। अब हर एक को कंपलसरी डीमेट अकाउंट शुरू करवाना पड़ता है बैंक में, ये डीमटेरियलाइज शेयर जो है वो ट्रांसफर करने के लिए। डीमटेरियलाइज उसका शॉर्ट फॉर्म डीमेट, उसको ट्रांसफर करने के लिए पहले डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। और अब इस ट्रांसफर की पूरी प्रोसीजर है ना, अब कंपनी के हाथ में नहीं रहती, अब कंपनी के हाथ में शेयर्स ट्रांसफर की पूरी प्रोसीजर नहीं रहती, अब वो पूरी प्रोसीजर आ जाती है इंडिया की दो डिपोजिटरीज कहलाती हैं। डिपोजिटरीज वो संस्थाएं जो इस शेयर के परचेस और सेल का पूरा मेंटेनेंस करती है, वो दो डिपोजिटरीज के पास अब ये पूरा राइट रहता है कि शेयर ट्रांसफर कैसे करना है। वो दो डिपोजिटरीज होती हमारे इंडिया में है NHDL और CDSL, ये दो संस्थाएं काम करती है। NHDL नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, या तो फिर CDSL सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, ये दो संस्थाएं आज काम करती है। अब ये क्या काम करती है, पहले देखो समझना, पूरी प्रोसेस समझना बेटा ध्यान से। पहले फिजिकल शेयर्स होते थे ना, तो उसमें कंपनी के हाथ में ही जो है वो पूरा हक था, ये पूरी प्रोसीजर कंपनी के हाथ में रहती थी कि हमें जो है वो शेयर ट्रांसफर करना है, कंपनी को फॉर्म भेजो, कंपनी से फॉर्म लो, उसे भेजो, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें जो है वो ये सब डिसाइड करते हैं, शेयर ट्रांसफर करूँ ना करूँ, सब कंपनी के हाथ में था। अब कंपनी के हाथ में नहीं है, अब कंपनी जो है शेयर मार्केट में अपने शेयर्स रख देती है, और शेयर मार्केट में एक सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सेबी के साथ काम करने वाली ये दो संस्थाएं अब उनके हाथ में है। अब ये जो है वो इंडिया की जितनी भी बैंक हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक है, उस बैंक को इन्फॉर्म कर देती है कि आपके यहाँ पर हर एक पर्सन को डीमेट अकाउंट खुलवाने की इजाज़त देना। अब जैसे मुझे अगर कोई कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो पहले डीमेट अकाउंट चाहिए, समझना, अगर डीमेट अकाउंट चाहिए तो वो डीमेट अकाउंट के लिए मेरा जो है वो समझो अकाउंट है SBI बैंक में है, तो SBI बैंक में जाकर मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा, क्या मैं आपकी बैंक में डीमेट अकाउंट खुलवा सकता हूं? तो अगर SBI बैंक में वो फैसिलिटीज होगी तो वो हाँ कहेंगे, अगर नहीं होगी तो SBI बैंक मना करेगी कि नहीं भाई हमारे यहाँ वो फैसिलिटीज नहीं है, आप किसी और बैंक में जो है वो डीमेट अकाउंट खुलवाओ। बाबा सब बैंक में नहीं होती, क्योंकि ये दोनों संस्थाएं जो जो बैंक को ये अप्रूवल देती है या फिर परमिशन देती है वही बैंक डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, नहीं तो नहीं, बराबर ना। तो सबसे पहले ये संस्थाएं जब जो है वो अप्रूवल देती है तो वो बैंक में हम अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और उसके बाद डीमेट अकाउंट के थ्रू ही इजीली जो है वो शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब शेयर्स को खरीदा या बेचा जाता है। तो अब अगर मुझे जो है वो शेयर ट्रांसफर करना है ना, तो कोई इतनी लंबी प्रोसीजर फॉलो नहीं करनी पड़ती डीमेट अकाउंट के लिए, मतलब डीमटेरियलाइज शेयर्स के लिए कोई इतनी लंबी प्रोसीजर नहीं, सिंपल सी प्रोसीजर है कि अब ऑनलाइन होता है तो उसमें पता है शेयर ब्रोकर्स होते हैं बीच में, होते हैं ना, अब शेयर ब्रोकर काम करते हैं, या फिर जो है वो शेयर ब्रोकर नहीं तो आज के टाइम में तो क्या कहते हैं ऐसी वेबसाइट्स आती हैं, या फिर जो है वो पर्टिकुलर अब तो मोबाइल की एप्लीकेशंस आती है कि जिसमें हमें कोई ब्रोकर की जरूरत नहीं है, हम खुद वो काम कर सकते हैं। तो खुद ही मैं जो है वो कंपनी के शेयर से ट्रांसफर कर सकता हूँ, मतलब कंपनी के शेयर ट्रांसफर करना मतलब आज के टाइम में होता है खाली बेचना, भाई मेरे दोस्त के नाम पर मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, पहले पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होता था जिसमें नाम होता था, अब ऐसा नहीं, अब मुझे अगर दोस्तों को ट्रांसफर करना है ना तो कुछ भी नहीं, मैं कंपनी के शेयर्स वापस बेच दूंगा और मेरा दोस्त वहां से खरीद लेगा, बरोबर, वो खुद ब खुद ट्रांसफर हो गया, अब कोई इतनी लंबी प्रोसीजर नहीं होती, बरोबर ना। मेरे पास 1000 शेयर हैं, समझना, मेरे पास 1000 शेयर हैं, मुझे अपने दोस्तों को देने हैं, तो दोस्तों को देने मतलब अब ये प्रोसीजर थोड़ी होती है, अब मैं अपने 1000 शेयर वापस कंपनी को बेच दूंगा, ऑनलाइन बेच दूंगा, अब प्रोसीजर ऑनलाइन होती है और मेरा दोस्त ऑनलाइन वहां से 1000 शेयर खरीद लेगा, सीधी सी बात ना। अब दोनों जो है वो इंडिविजुअल वर्क करेंगे ना, कोई ऐसी प्रोसीजर होगी ही नहीं उसमें, ठीक है ना। मैं जब शेयर्स बेचूंगा ना, मैं जब शेयर बेचूंगा तो मेरे डीमेट अकाउंट में से खुद ब खुद जो है वो पैसे ऐड हो जाएंगे, शेयर बेचूंगा तो पैसे ऐड हो जाएंगे और मेरे डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स होंगे ना उसमें वो सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो शेयर्स होते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स, वो कंपनी को वापस चले जाएंगे। और अगर मुझे कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं
तो मैं जो है वो कंपनी को खाली ऑनलाइन इन्फॉर्म करूंगा कि भाई शेयर्स खरीदने हैं, खुद ब खुद मेरे डीमेट अकाउंट में से पैसे कट हो जाएंगे और उसके बाद मेरे डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, है ना। शेयर्स जो है वो सर्टिफिकेट मेरे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा और वो पैसे कट हो जाएंगे। वही बेचना हो तो अब सर्टिफिकेट मेरे डीमेट अकाउंट में से चला जाएगा और शेयर्स वापस आ जाएंगे। समझ आ रही है बात? पहले इतनी लंबी प्रोसीजर होती थी, अब कोई नहीं होती, अब तो ऑनलाइन हो जाता है ना। और इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं, ये पूरी प्रोसीजर को मेंटेन ये करता है NHDL और CDSL। ये संस्थाएं चेक करती है कि सब लीगली काम कर रहे हैं ना, कोई इलीगल तो नहीं कर रहा है, कोई कहीं गलती तो नहीं कर रहा है, बरोबर ना। ये सब ये आगे के चैप्टर्स में इनके बारे में समझोगे। कंपनी खाली अब ऊपर से चेक करती रहती है कि हाँ भाई हमारे कंपनी के जो है वो इतने शेयर्स बिक रहे हैं, इतने शेयर लोग खरीद रहे हैं। आप जब अब शेयर मार्केट में देखते हो ना कि कोई कंपनी के जो है वो इतने शेयर एक दिन में बिक गए, लोगों ने इतने शेयर से एक दिन में खरीद लिए, तो उसमें कंपनी का कोई लेना देना? कंपनी खाली ऊपर से चेक करती रहती है। और जनरल पब्लिक आज के टाइम में ऑनलाइन शेयर खरीदती है या बेचती है। और पहले के टाइम में कैसे होता था, पहले चैप्टर में भी हमने समझा था कि पहले के टाइम में अगर कंपनी के पास ये पूरी प्रोसीजर होती थी ना फिजिकल शेयर्स की, तो कंपनी शेयर्स के पैसे भी इंस्टॉलमेंट में मंगवाती थी। मतलब 100 रुपए का शेयर हो तो पहले एप्लीकेशन के 10 रुपए, फिर जो है वो अलॉटमेंट, फिर कॉल्स 30-30 रुपीज की इंस्टॉलमेंट, पहले चैप्टर में ऐसा समझा था। अब कोई ऐसी प्रोसीजर नहीं होती, अब मॉडर्न टाइमिंग है। अब 100 रुपए का शेयर है, बस 100 रुपए मैंने जो है वो कंपनी को दिए, मुझे शेयर मिल गया 100 रुपए का, भले एक शेयर खरीदना हो, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, एक ही साथ जो है वो खत्म, ठीक है ना। और ट्रांसफर भी करना हो तो एक ही साथ पूरा ट्रांसफर हो जाता है, कोई आधे आधे उसमें रहते नहीं है। समझ आ रही है बात? ठीक है ना। इनके लिए सिर्फ NHDL और CDSL एक छोटा सा फॉर्म भरवाती है जो हर बैंक के पास होता है, बैंक के पास या ब्रोकर के पास होता है। मतलब मैं पहली बार जब सिर्फ डीमेट अकाउंट खुलवाऊंगा ना तो एक पर्टिकुलर फॉर्म जो है वो हमें भरना होता है, बस फर्स्ट टाइम जो है वो फॉर्म एक स्लिप की तरह भरना होता है मुझे। वो एक बार फॉर्म भर दिया मतलब मेरा ऑनलाइन वर्क शुरू हो गया, और उसके बाद लाइफ टाइम मैं ऑनलाइन अपने मोबाइल के थ्रू ही भले जो है वो कितने भी शेयर्स खरीद सकता हूँ, कितने भी शेयर्स बेच सकता हूँ। समझ आ रही है बात? तो जैसे वो प्रोसीजर समझे ना, तो अब उसके बाद का एक पॉइंट आता है जो है ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी फॉर शेयर ट्रांसफर। हर चैप्टर में ऐसा आता ही है ना कि भाई सेक्रेटरी का क्या काम है, तो शेयर ट्रांसफर में भी उसकी ड्यूटीज क्या। अब यहाँ पर शेयर ट्रांसफर मतलब फिजिकल शेयर ट्रांसफर है, जो डीमेट के बारे में समझाया वो नहीं, डीमेट शेयर ट्रांसफर नहीं, फिजिकल शेयर ट्रांसफर के लिए सेक्रेटरी की क्या क्या ड्यूटीज रहती है वो पॉइंट हम लोग समझे। और ये पॉइंट मतलब वही समझो जो आपने पूरी प्रोसीजर समझी ना, फिजिकल शेयर ट्रांसफर के बारे में जो पहले प्रोसीजर समझी वही पूरी प्रोसीजर ये सेक्रेटरी फॉलो करती है, बरोबर ना, वही ये काम करते हैं ना। तो देखो उनकी क्या क्या ड्यूटीज है। सबसे पहले टू वेरीफाई शेयर इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रांसफर फॉर्म। मतलब कैसे, अगर मुझे जो है वो शेयर ट्रांसफर करने हैं, तो जो हमने पहले बताया ना फिजिकल शेयर के बारे में कि मुझे कंपनी से फॉर्म लेना होगा, वो फॉर्म फिलअप करके शेयर अटैच करके कंपनी को देना होता है, और कंपनी के सेक्रेटरी उसे वेरीफाई करते हैं कि मैंने फॉर्म में सब बरोबर इन्फॉर्मेशन भरी है ना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिया है ना, कि कहीं जेरोक्स करवा के तो नहीं दे दिया, बरोबर। वो वेरीफाई करते हैं कि सब इन्फॉर्मेशन करेक्ट है ना। देन स्टैम्प एंड फीस, फिर चेक करते हैं कि भाई मुझे अगर शेयर ट्रांसफर करना है तो मैंने सब बरोबर फीस स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह भरे हैं, टैक्सेस वगैरह पे किए हैं कि नहीं, कुछ पैसे बाकी तो नहीं है, ये सेक्रेटरी चेक करते हैं, बरोबर ना। कंपनी के सेक्रेटरी चेक करेंगे कि भाई मैंने सब बरोबर फीस भरी या नहीं। सिग्नेचर ऑफ विटनेस, हाँ ये एक चीज ध्यान दो बेटा कि जब भी जो है वो शेयर ट्रांसफर करना होता है ना तो एक विटनेस चाहिए होता है, एक सबूत चाहिए होता है कि हाँ भाई इस पर्सन के एग्जिस्टेंस में इसके सामने मैं शेयर अपने दोस्त को ट्रांसफर कर रहा हूँ, एक विटनेस मुझे रखना होता है, बरोबर। मुझे किसी को भी शेयर ट्रांसफर करना है तो डायरेक्ट नहीं कर सकता, एक पर्टिकुलर विटनेस होना चाहिए। ये आगे प्रोसीजर में नहीं था, उस फॉर्म में जो फॉर्म होता है उसमें एक विटनेस का साइन होना चाहिए। तो सेक्रेटरी चेक करती है कि मुझे अगर शेयर ट्रांसफर करना है तो मैंने विटनेस का साइन करवाया है, वो विटनेस बरोबर है या नहीं, बरोबर। वो सिग्नेचर ऑफ विटनेस वो चेक करते हैं, ये कंपलसरी है। उसके बाद रिसिप्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर, उसके बाद है ना रिसिप्ट, ये सेक्रेटरी तैयार करके मुझे देते हैं। मैंने पहले बताया ना मेरे पास एक सबूत तो होना चाहिए कि भाई मैं शेयर ट्रांसफर कर रहा हूँ, अपने शेयर जो है वो कंपनी को दे दूंगा, तो कंपनी मुझे एक रिसिप्ट बना के देगी ना कि हाँ भाई ये सबूत है कि अब इसके जरिए जो है वो ये ट्रांसफर होने वाला है। तो वो रिसिप्ट भी कौन बना के देता है? सेक्रेटरी। रिसिप्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर सेक्रेटरी बना कर देते हैं, चेक करते हैं कि भाई रिसिप्ट मेरे पास पहुंची या नहीं। देन रिजोल्यूशन ऑफ BOD,
हमने ये भी प्रोसीजर में देखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजोल्यूशन पास करते हैं, उसके बाद ही ट्रांसफर होता है, कि ये सेक्रेटरी जो है ये फॉर्म वगैरह ले जाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे चेक करेंगे कि मैं जो अपने दोस्तों को ट्रांसफर कर रहा हूँ सब चीज़ें बरोबर हैं, अगर जो है वो सब चीज़ें सही है तो वो रिजोल्यूशन पास करेंगे, अगर नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो सेक्रेटरी के थ्रू मुझे इन्फॉर्म करवाएंगे कि नहीं भाई आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिजोल्यूशन पास करवाना है या कहो मंजूरी लेना, ये भी काम सेक्रेटरी का है, सेक्रेटरी उनसे मंजूरी लेते हैं क्या भाई ये इंसान जो है वो अपने दोस्तों को शेयर ट्रांसफर कर रहा है, करने दें इसे, बरोबर, ये सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूरी लेंगे। देन एंट्री इन शेयर ट्रांसफर रजिस्टर, मैंने बताया ना उनके पास एक शेयर ट्रांसफर रजिस्टर होता है कि जिसमें कौन कौन से पर्सन जो है वो शेयर को ट्रांसफर करवा रहे हैं उनकी लिस्ट उसमें होती है, तो वो सेक्रेटरी उस शेयर ट्रांसफर रजिस्टर में मेरा नाम और मेरे दोस्त का नाम लिखेंगे कि ये इंसान उसे ट्रांसफर कर रहा है, बरोबर। देन रजिस्ट्रेशन इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, अगर सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया, सक्सेसफुली कोई प्रॉब्लम के बिना शेयर्स मेरे दोस्तों को ट्रांसफर हो गए, तो जो सेक्रेटरी है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, जो दूसरा रजिस्टर होता है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेरा नाम कट करके मेरे दोस्त का नाम लिख देंगे कि अब कंपनी का मालिक ये नहीं है, अब कंपनी का मालिक वो है, ठीक है। देन टू इश्यू नोटिस रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ शेयर ट्रांसफर, ये एक्चुअली पॉइंट पहले आना चाहिए, आपके टेक्स्ट बुक में बाद में दिया हुआ है कि जैसे ट्रांसफर रजिस्टर में एंट्री करने के बाद वो नोटिस भेजना, हमने प्रोसीजर में देखा था ना, सेक्रेटरी पहले मुझे और मेरे दोस्त को दोनों को वो नोटिस भेजेंगे वो सेक्रेटरी कि भाई देखो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन है, बरोबर। सेक्रेटरी वो हमसे पूछेंगे कि कोई ऑब्जेक्शन है, वो नोटिस हमें मिलेगा, अगर ऑब्जेक्शन है तो विद इन 14 डेज हमें बताना है, अगर नहीं है ऑब्जेक्शन तो इट्स ओके, सेक्रेटरी आगे जो है वो काम करेंगे अपना, ठीक है ना। तो वो नोटिस भेजने का काम भी उनका है, जब नोटिस अप्रूव हो जाए तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में सेक्रेटरी मेरा नाम कट करके मेरे दोस्त का नाम लिखेंगे जिन्हें ट्रांसफर करना है। देन टू प्रिपेयर शेयर सर्टिफिकेट, फिर नया सर्टिफिकेट तैयार करना, अब उसमें मेरा नाम नहीं, नए शेयर होल्डर का नाम, मतलब मेरे दोस्त का नाम उसमें होगा कि अब नया सर्टिफिकेट तैयार हुआ है, तो वो न्यू सर्टिफिकेट तैयार करने का काम भी सेक्रेटरी का। एंड टू इश्यू सेट सर्टिफिकेट टू द न्यू शेयर होल्डर, फिर उन्हें जो है वो पोस्ट के थ्रू भेजना, नए शेयर होल्डर को वो न्यू सर्टिफिकेट भेजना कि अब मैं नहीं मालिक, अब वो नया मालिक है, तो उन्हें वो सर्टिफिकेट भेजना है, ये भी काम सेक्रेटरी का। एंड टू ऑब्जर्व प्रोविजंस, और आखिरी में ये चेक करना कि पूरी प्रोसीजर बरोबर हुई, जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो रूल बुक होती है, क्या रूल के हिसाब से सभी चीज़ें बरोबर फॉलो हुई, ये चेक करने का काम भी सेक्रेटरी का, बरोबर। तो फिजिकल शेयर जैसे ट्रांसफर होते हैं ना, हमने आगे प्रोसीजर देखी, वो पूरी प्रोसीजर फॉलो करने का काम किसका है, सेक्रेटरी का है, समझ आ रही है बात। तो आज जैसे हमने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बारे में समझा ना, डीमेट शेयर और फिजिकल शेयर, इनकी ड्यूटीज भी हमने समझी, अब दूसरा आता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, चैप्टर का सेकेंड पार्ट, ट्रांसफर के बाद ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, तो उसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।